नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि नेपाल आर्मी ने फिर से नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। कांगो मरमत पुल में नेपाली शांति रक्षकों के प्रयास की सराहना की गई। नेपाली शांति सैनिकों ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बुडाना में स्थित सेरी नदी पर एक बिगड़ते पुल की मरम्मत की है। कांगो में तैनात नेपाली शांति सेना की 24 फेज बटालियन ने पुल का रखरखाव किया और इसका संचालन भी किया है। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। नेपाल सेना के जनसंपर्क और सूचना निदेशालय के अनुसार पुल के रखरखाव ने स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों को दैनिक कार्य के लिए उनकी आवाजाही में आसानी हुई है। रखरखाव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि और मिशन के उप प्रमुख खासिम डायगने ने पुल को स्थानीय सरकार को भी सौंप दिया है। इस अवसर पर उन्होंने मिशन के हिस्से के रूप में देश में शांति के निर्माण में नेपाल सेना के शांति सैनिकों के योगदान की सराहना भी की है। यह भी साझा किया गया कि स्थानीय लोगों ने राहत की भी सांस ले ली है, क्योंकि पुल की मरम्मत के बाद सुरक्षा बल जुटाना और गतिशीलता बनाना आसान हो गया है। पुल की बिगड़ती हालात का फायदा उठाकर सशस्त्र संगठन वहां के स्थानीय लोगों से भिड़ रहे थे। इसके साथ ही कांगो में नेपाली शांति रक्षकों की भूमिका के प्रति स्थानीय लोगों ने भी सकारात्मक भावना व्यक्त की है। नेपाली आर्मी व वहां के स्थानीय लोगों के बीच एक पुल का बहुत बड़ा विवाद बन चुका था। नेपाली आर्मी व स्थानीय लोगों के बीच आपस में झड़प होती रहती थी, लेकिन नेपाली आर्मी ने उस पुल की फिर से मरम्मत करवा दी और उसका संचालन कर दिया और अब लोगों को बहुत आसानी हो चुकी है और नेपाली आर्मी ने फिर से एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और नेपाल में बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। नेपाल के अंदर बहुत बड़ा पुल बना दिया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।